दोस्तों मॉडर्न टाइम्स का सबसे बड़ा तानाशाह एडोल्फ हिटलर जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर का कारण बना, लाखों लोगों की जान उसने ली थी। अब ये पर्टिकुलर एडोल्फ हिटलर वर्ल्ड वॉर टू होने से पहले 1938 में ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर नेवली चैम्बरलिन को जर्मनी में इनवाइट करता है और बवारियन म्यूजियम में उनको घुमा रहा होता है। वो चैम्बरलिन को एक फोटो दिखाते हुए कहता है कि देखो यह तुम्हारा एक ब्रिटिश सोल्जर है हेनरी टेंडे, इसने मुझे 28 सितंबर 1918 को फिफ्थ बैटल ऑफ यैपर्स में ऑलमोस्ट मार दिया था। जी हां, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एडोल्फ हिटलर एज ए कॉर्पोरल जर्मनी की तरफ से जंग में लड़ा था और एडोल्फ हिटलर का कहना था कि 28 सितंबर 1918 को ऑलमोस्ट उसकी डेथ हो चुकी थी अगर हेनरी टेंडे उस पर दया न करता। बाद में जब हेनरी टेंडे से यह बात पूछी गई तो उसने एक्सेप्ट किया कि हाँ 28 सितंबर 1918 को उसने काफी लोगों को छोड़ दिया था, लेकिन वह ये नहीं कंफर्म कर पाया कि उसमें से एक हिटलर भी था। लेकिन बाद में हेनरी टेंडे ने एक्सेप्ट किया कि अगर वो उस दिन हिटलर को मार देता तो शायद सेकंड वर्ल्ड वॉर ना होता।